बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा यही पैगाम है कि कैल्शियम की कमी को रोकना है। कैल्शियम की कमी क्यों होती है, किस वजह से होती है और इसके साथ कौन सी अलामत ज़ाहिर होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में आगाह हो सकें और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। मेरा इस वीडियो में यही पैगाम है, क्योंकि आप जितनी ही इस इंफॉर्मेशन के बारे में आगाह होंगे, आप उतनी ही अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। कैल्शियम हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम मिनरल अदा करता है, क्योंकि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा यानी हड्डियों, पट्ठों, मसोड़ों, दांतों और इसके साथ साथ कल्ब को बेहतर बनाने में इसका रोल अहम अदा होता है। ये ज़्यादातर मर्दों की निस्बत औरतों में यानी ख़वातीन में 30 ईयर्स से ऊपर की इसी मर्ज में शिकार हो जाते हैं। बच्चों में भी इस मर्ज में शिकार होते हुए देखा है, क्योंकि बच्चों में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसकी अलामात की बात की जाए कि आपको इसकी अलामात वाज़े तौर पर नहीं नज़र आती, क्योंकि हम डॉक्टर हज़रात को मरीज़ को देख कर ही अलामात और उसकी कंडीशन को देखकर जांचा जा सकता है। अगर आप में ये अलामात हों तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इस अलामात का जिक्र शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले पट्टू में खिंचाव का होना, सर दर्द होना, चलते फिरते दर्द महसूस करना और इसके अलावा जिस्म में थकावट, बोरियत, उलझन जैसी कैफियत हो सकती है, क्योंकि इन जैसे मरीज़ों को कैल्शियम की अशद ज़रूरत होती है। इसमें अगर मज़ीद बात की जाए कैल्शियम के हवाले से, बालों का खुश्क होना, बालों के खुश्क होने की वजह से रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बाल खुश्क होकर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सर यानी गंजपन हो सकता है। ये मर्द कैल्शियम की ख़ास वजह है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी को ही ज़ाहिर करती है। सुस्ती, कैली महसूस करना, हाथ पांव टांगों का सुन महसूस करना यानी बेहिस हो जाना, जिसमें जान नहीं होती और इस तरह महसूस होता है जैसे सुइयां चुभ रही हूँ, ये भी इसकी ख़ास अलामत हो सकती हैं और होती भी हैं। क्योंकि दोस्तों, इसके अलावा जिल्द में भी ख़ारिश और एक्जिमा जैसी मर्ज हो सकती है, क्योंकि आप जैसे ही कैल्शियम की कमी को इस जैसी अलामत अगर आप में पाई जाएँ तो आप इसे जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं या मज़ीद आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको सलूशन बताऊंगा कि आप इस जैसी मर्ज से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो अगर हड्डियों में कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम हड्डियों के लिए इंतहाई अहम ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हड्डियों का वजूद में आना नामुमकिन है। हड्डियों में कैल्शियम की मकदार इतनी कसीर में पाई जाती है, क्योंकि अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये हड्डियों से कैल्शियम की मकदार को पूरा करते हैं। हड्डियों में जैसे ही मकदार कैल्शियम को पूरा करते हैं तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ़, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है। मज़ीद अगर दांतों की बात की जाए, दांतों में भी कसीर तादाद में कैल्शियम पाई जाती है। हमारे जिस्म में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये दांतों से कैल्शियम की मकदार को वसूल करके पूरा करते हैं। जैसे ही कैल्शियम की मकदार को पूरा करते हैं दांतों से, मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इसकी बात की जाए, मेडिकल रिसर्च कमी की वजह से मूड का ऑफ होना, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन इस कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है। कैल्शियम की कमी को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी के बारे में आपको डिटेल वाइज बता चुका हूं और इस बीमारी से हमने कैसे बचना है। इसमें सबसे पहले आपने फ़िश इस्तेमाल करनी है, बटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मिल्क भी इस्तेमाल की जा सकती है, ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रीन पेपर यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ही आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी को करते यहीं पे इख्तिताम। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस तरह इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ते रहिए और हमें मज़ीद हौसला अफज़ाई आपसे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।